नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। और लास्ट टाइम हमने 9th ऑफ सितंबर तक के जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबका एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 10th सितंबर से लेकर आज तक यानी कि 18th ऑफ सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सबका हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक्स एनालिसिस किया था वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, उसको देखें। उसके बाद जो आज मैं पिछले वीडियो से संबंधित 3 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि 2020 का पीएससी यानी कि जो 2021 में आपका पेपर होने वाला है होगा या नहीं होगा। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सीजीपीएससी ने जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां से रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाया जाता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना पद खाली है, वो डिपार्टमेंट जो है पहले सीजीपीएससी को अपना रिक्त पद के बारे में ब्यौरा पूरा देते हैं, उसके बाद सीजीपीएससी उसी आधार पर जो है वो वैकेंसीज निकालता है। तो डिपार्टमेंट्स की तरफ से मंगाया गया है तो ये तो कन्फर्म है कि आपका पेपर होने वाला है। तो तैयारी जो है अपना बहुत जोर शोर से कीजिए, चाहे सीजीपीएससी का कर रहे हो यानी कि सिविल सर्विसेज का या फिर बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि माहौल जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से वैकेंसीज आएंगे। जिस प्रकार से युवाओं में गुस्सा देखा जा रहा है तो उस हिसाब से आप मान लीजिए कि वैकेंसीज तो आना कन्फर्म है। तो आप बिना कुछ सोचिए, बिना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कंटिन्यू कीजिए और बहुत मेहनत के साथ कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है तो शुरू कर ले फटाक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अदर इन्फॉर्मेशन के लिए और अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है उसके लिए और अदर कंटेंट के लिए हमारे तो इन 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक से जुड़ जाइएगा और इंस्टाग्राम से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आने पे आप लाइक शेयर तो करते ही हो, फिर भी आप जो लोग नहीं करते हैं अगर चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पिछले वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्यों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ या सिक्स। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इसे बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया था, हमने स्टेट का भी एनालिसिस किया था और पूरे ओवरऑल जो बाकी स्टेट्स के रैंकिंग थे वो किस प्रकार से थे उस पर भी हमने एनालिसिस किया था। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक, रायगढ़, महासमुंद, कवर्धा या फिर दंतेवाड़ा। और इस एथेनॉल प्लांट से रिलेटेड आज भी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और एक टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसयू द्वारा जारी साक्षरता दर रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में। तो ऑप्शन है 68.3%, 70.3%, 72.8% या फिर 75.6%। तो इस तीनों क्वेश्चन का जवाब जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स में एनालिसिस करते जाऊंगा उसमें से भी बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो उसका भी जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए पढ़ते रहिएगा ताकि आपका बेहतर तरीके से जो है तैयारी होता रहे और जब पेपर आए तो आपको रिवाइज करने के लिए आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स हो। तो ये मेरा एक सुझाव था आप लोगों को कि आप लोग साथ में नोट्स भी जरूर बनाइएगा। ठीक, चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का एथेनॉल खरीदने के लिए देश की जो 3 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है कि छत्तीसगढ़ में जो एथेनॉल का उत्पादन किया जाना है वो हम खरीदेंगे। तो सबसे पहले ये 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में समझ लीजिए। ये 3 कंपनियां हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। ये 3 कंपनी ऐसी है जो कि छत्तीसगढ़ के एथेनॉल को खरीदेगी। और छत्तीसगढ़ में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भोरमदेव सहकारी कारखाने में एक पीपीपी मॉडल पर आधारित जो है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि प्राइवेट कंपनी और सरकार मिलकर एक प्लांट को स्थापित करेगी। तो पीपीपी मॉडल पर पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में स्थापित किया जाना है। इसके अलावा 4 एथेनॉल प्लांट और छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाने हैं। और ये 4 एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किए जाएंगे,
मुंगेली में दो स्थापित किया जाएगा, इसके अलावा जांजगीर चांपा में एक और महासमुंद में एक। तो ये चार प्लांट जो है इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में और स्थापित किए जाएंगे, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में जो स्थापित किया जाएगा उसके अलावा, वो पीपीपी मॉडल पे पहला है और ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से इन एथेनॉल प्लांट्स को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें लगभग जो है 600 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा जो सरकार के साथ में एमओयू साइन हुआ है इन कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का, वह है 507 करोड़ 42 लाख रुपए का। इसके अलावा इन कंपनियों को जो है राज्य सरकार से लगभग 60% धान खरीदना होगा। कहने का मतलब है कि जो राज्य में धान से एथेनॉल का उत्पादन होगा और जो कंपनी उत्पादन करेगी उस कंपनी को 60% धान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ही खरीदना पड़ेगा, बाकी का 40% आप दूसरे स्टेट से भी खरीद सकते हो। देखिए पूरा मसला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है हर साल लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन जो है वो होता है और सरकार उतना ही खरीदी का लक्ष्य निर्धारित करती है। अब छत्तीसगढ़ का अगर हम इस्तेमाल देख लें तो इसमें से लगभग 30 से 32 लाख मीट्रिक टन का आ जाता है, तो जो शेष धान बच जाता है वो केंद्र सरकार लगभग 30 से 32 लाख मीट्रिक टन खरीद लेती है यानी कि केंद्रीय पूल में खरीद लिया जाता है और जो बाकी बच जाता है उससे यहाँ पर एथेनॉल उत्पादन किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में खासकर धान से जो है एथेनॉल उत्पादन का एक सुनहरा अवसर है और छत्तीसगढ़ के पास में अपॉर्चुनिटी भी और क्षमता भी है कि छत्तीसगढ़ में एथेनॉल का उत्पादन किया जाए। और पूरे साल भर में अगर आप देखोगे तो एथेनॉल प्लांट लगाए जाने की जो बात है वो लगातार चर्चा में है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास में धान का इतना उत्पादन है कि उसके पास में क्षमता है। इससे किसानों को जो 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उसमें भी सरकार को यहाँ पर मदद पहुँच जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर एथेनॉल प्लांट लगता है तो। ठीक है, क्लियर है, किसानों को भी इससे फायदा पहुँचेगा और किसानों में भी एक प्रोत्साहन आएगा कि हाँ अगर धान खरीदी नहीं भी होती है तो वो इन प्लांट्स में भी धान को दे सकते हैं, यहाँ पर फायदे सबके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एथेनॉल एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, तो मेन रूप से एथेनॉल जो होता है जो कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसमें ब्लेंडिंग किया जाता है एथेनॉल का ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। कई डेवलप्ड कंट्री में अगर आप चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो वहां पर कच्चे तेल में जो है 80 से 85% तक एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाता है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि 5% कम से कम एथेनॉल का ब्लेंडिंग होना चाहिए कच्चे तेल में लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2% 1% भी ब्लेंडिंग करते हैं। तो हमारे देश में एथेनॉल की कमी है क्योंकि हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो एक तो हम जो इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करेंगे और हमारे देश में एथेनॉल बढ़ेगा तो एक पर्यावरण को भी संतुलित किया जा सकता है क्योंकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताया नहीं था कि एथेनॉल जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एथेनॉल क्या बायोफ्यूल को भी आप कह सकते हो कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मुख्यतः 3 रूप से जो है आजकल दुनिया में जो बायोफ्यूल का है वो प्रोडक्शन किया जाता है। जनरेशन 4 भी है लेकिन जनरेशन 4 का अभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो फर्स्ट जनरेशन में खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे गन्ना हो गया जैसे गेहूं हो गया जैसे धान हो गया। सेकंड जनरेशन में जो एग्रीकल्चर फूड्स प्रोसेसिंग वेस्टेज होते हैं यानी कि धान से जो वेस्ट निकला शुगर केन से जो वेस्ट निकला उससे भी एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। सवाल जैसे मटेरियल्स जो हो गए उससे थर्ड जनरेशन का जो है वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैक्सिमम अगर आप कंट्रीज में देखोगे तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन से जो है वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से अगर एथेनॉल प्रोड्यूस करने लगे तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो एथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा वो फर्स्ट जनरेशन का जो धान हो गया और या फिर शुगर केन हो गया इसी पर आधारित होगा। तो ये थोड़ा सा विस्तार से एनालिसिस था क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरगुजा में स्थापित होगा ट्राई फूड पार्क। हाल ही में जो है केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री कौन है श्रीमती रेणुका सिंह और ये कौन से जो है संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है तो ये संसदीय क्षेत्र है आपका सरगुजा और इसी सरगुजा जिले में जो है वनवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वन धन योजना के तहत वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग हेतु ट्राई फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो वनवासियों द्वारा या फिर जनजातियों के द्वारा
वनोपज एकत्रित किया जाता है, उस वनोपज को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने के लिए, बेहतर तरीके से एक मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए सरगुजा जिले में जो है वन धन योजना के तहत, केंद्र सरकार की एक योजना है वन धन योजना, उसी के तहत ट्राइब फूड पार्क को स्थापित किया जाएगा। इस ट्राइब फूड पार्क को स्थापित करने से इस क्षेत्र में जो है रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, क्या है वन धन योजना? प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य लागू किया गया है। ठीक है, क्लियर है। इस योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया गया था। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो पूरा आप वन धन योजना को क्रियान्वित करने की अगर बात कर लो, या फिर जो केंद्र सरकार की तरफ से वन उपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, या फिर वनवासियों के उत्थान के लिए अगर आप बात कर लो, तो ये सारा क्रियान्वयन जो है किसकी तरफ से किया जाता है? ये सारा क्रियान्वयन होता है ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप यहां देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर कार्य करती है, यानी कि अधीन कार्य करती है। और जैसे मैंने उसका उद्देश्य बताया, जनजातियों के उत्थान के लिए वन उपज पर जो उनका सही वाजिब दाम है वो उपलब्ध करवाना, सही मार्केट उपलब्ध करवाना, ये सारा कार्य जो है वो ट्राइफेड करता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। कैसे है? लॉकडाउन की स्थिति में छत्तीसगढ़ में लगभग 90% से अधिक बच्चों को जो है वो मध्यान्ह भोजन का लाभ मिला है। हालांकि स्कूल जो है वो बंद थे, फिर भी इन बच्चों को घर में सूखा अनाज देकर मध्यान्ह भोजन को कंटिन्यू रखा गया है, रोका नहीं गया है। और प्रदेश में लगभग 90% बच्चों तक जो है मध्यान्ह भोजन पहुंचाया गया है। ठीक है, और ये कैसे पता चला? ये पता चला है ऑक्सफैम इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार। पूरे देश की स्थिति अगर हम देखें तो लॉकडाउन की स्थिति में पूरे देश में 27 करोड़ बच्चे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनको मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पाया है। अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करें, जो कि अगर छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी एक्ट देखें तो 2012 में आया था, उसके बाद 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, उसके तहत मध्यान्ह भोजन जो है प्रत्येक बच्चों का अधिकार है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम कुछ और स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश में 92% जो बच्चे हैं वो मध्यान्ह भोजन से वंचित रहे हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है 90% बच्चों तक जो है वो मध्यान्ह भोजन की सुविधा पहुँचाई गई थी। हम बात कर रहे थे ऑक्सफैम इंडिया के इस रिपोर्ट की। तो ऑक्सफैम इंडिया क्या है? ऑक्सफैम इंडिया जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्क करता है, जो कि सपोर्ट करता है बच्चों के एजुकेशन पर, बच्चों के हेल्थ पर, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, इसके अलावा जो वुमेन और मेन के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको भी, उस गैप को भरने का भी जो है काम करता है ऑक्सफैम। ठीक है, तो इसी की रिपोर्ट के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ इस लॉकडाउन के सिचुएशन में मध्यान्ह भोजन बच्चों तक पहुंचाने में सबसे बेहतर कार्य किया है और पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। क्लियर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बस्तर विशेष बल का गठन। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक विशेष बल का गठन किया जाएगा, उस विशेष बल का नाम होगा बस्तर विशेष बल। इसको गठित किए जाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जैसे देखिए बस्तर यानी कि पूरी तरह से जंगलों से माओवादी ग्रसित एरिया आप कह सकते हो, तो अगर बस्तर के पुलिस में और बस्तर विशेष पुलिस में अगर उनको शामिल किया जाए, स्थानीय लोगों को, जैसे वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाता है, तो नक्सल प्रभावित इलाकों को अच्छे तरीके से काउंटर किया जा सकता है और जो वहां के लोकल पुलिस हैं उनको इम्पावर किया जा सकता है इनकी मदद से। इसीलिए बस्तर विशेष बल का गठन किया जाएगा और इसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में निर्देश दिया गया है। जैसे मैंने बोला कि इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के जो हैं वो स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो नक्सलवाद को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्थानीय लोग ही शामिल होंगे, और दूसरा जो स्थानीय युवा होते हैं जो भटक जाते हैं, जो जिनके पास में रोजगार नहीं होता और जैसे नक्सलवाद जैसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, तो उनको भी वहाँ पर अगर रोजगार मिलता है तो उस क्षेत्र में जो है जागरूकता फैलाने का कार्य कर सकते हैं।
क्लियर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कृमि मुक्ति दिवस। कृमि क्या होता है आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन जो राज्य में है कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा 23 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। और इस दौरान जो है आंगनवाड़ी केंद्र और मितानिन के द्वारा जो है बच्चों में कृमि मुक्ति करने के लिए जो इसकी दवा है जिसे हम कहते हैं एल्बेंडाजोल, वो सामुदायिक स्तर पर खिलाया जाएगा। और ये दवाई जो है 19 साल के बच्चों तक खिलाया जाएगा। अगर वो बच्चा 1 साल से 3 साल तक है तो उसको आधी गोली दी जाएगी, और अगर 3 साल से 19 साल के बीच में है तो उसको पूरी गोली दी जाएगी। और दवाई का नाम याद रखिएगा एल्बेंडाजोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट के हिसाब से मना सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कब तक मनाया जाएगा, 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच तक, ठीक है। और पूरे देश में जो है सितंबर 2020 में कुल 1.14 करोड़ बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाए जाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, कृमि मुक्ति दिवस जो है वो 2 मंत्रालय की तरफ से क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि जो इसकी गोलियां बच्चों को खिलाया जाता है कृमि को खत्म करने के लिए, वो 2 मंत्रालय इसके लिए काम करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला मंत्रालय है आपका स्वास्थ्य विभाग और दूसरा जो है वो है महिला बाल विकास विभाग, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो दोनों डिपार्टमेंट्स आते हैं दोनों संयुक्त रूप से इसके लिए कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल कि कृमि है क्या, तो खासकर कृमि जो होता है एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खासकर बच्चों में इस तरह की बीमारी देखी जाती है, पेट में वो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उनका जो शारीरिक विकास है वो धीमा हो जाता है, समस्याएं यानी कि बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए जो है एक दवा दिया जाता है खासकर कीड़े को मारने के लिए जिसे एल्बेंडाजोल कहा जाता है उस कीड़े को मारने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ये नया इनिशिएटिव क्या है, अगर आप इंजीनियर हैं या फिर अगर आप कोई आर्किटेक्चर हैं और अगर आपके पास में कुछ बेहतर आइडियाज़ हैं या फिर बेहतर मॉडल है तो आप सरकार को दे सकते हो या फिर आप मॉडल तैयार कर सकते हो। ये मॉडल किससे संबंधित होगा, ये मॉडल आपको बनाना है शौचालय के ऊपर में, सामुदायिक शौचालय, ठीक है। और इस मॉडल को आपको बनाना किस तरह से है कि ये 3.5 लाख रुपए में सामुदायिक शौचालय तैयार हो जाएगा या 4.5 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा या 5.5 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। तो इतनी रकम का आपको जो है सामुदायिक शौचालय का मॉडल बनाना है और सरकार को प्रस्तुत करना है। इसके लिए आप आवेदन जो है 20 सितंबर तक कर सकते हैं। अब ये मॉडल सरकार के पास में जाएगा और सरकार उसके बाद इस मॉडल के आधार पर जो है रैंकिंग तय करेगी कि किसका मॉडल सबसे बेस्ट था, उस आधार पे आपको प्राइज दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मॉडल यानी कि फर्स्ट कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ मॉडल जो है क्रमशः 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए और 2.25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट प्राइज जो होगा वो 2.25 लाख रुपए का होगा, इसके अलावा जो सेकंड प्राइज होगा वो 1.25 लाख रुपए का होगा और जो थर्ड प्राइज होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। अब आप कहोगे कि ये मॉडल का सरकार क्या करेगी, तो मॉडल का सरकार जो है सामुदायिक क्षेत्रों पर यानी कि बस स्टैंड, हाट बाजार, अस्पताल या फिर और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सामुदायिक शौचालय बनाएगी आपके मॉडल पर ही, क्लियर है। जिसका जो बजट है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। और विजेताओं को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर यानी कि उस दिन ही सम्मानित किया जाएगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को मिला स्कॉच अवार्ड। हाल ही में प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी द्वारा की जाने वाली उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। स्कॉच ग्रुप जो है नई दिल्ली द्वारा स्कॉच अवार्ड 2020 के लिए प्रदेश के जाने वाले हज यात्रियों को राज्य हज कमेटी द्वारा दी जा रही उल्लेखनीय सेवाओं की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यानी कि जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हज कमेटी है जो हर साल हज यात्री जाते हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, उनके लिए बेहतर कार्य करना, उनको बेहतर तरीके से हज भेजना व फिर वापस बुलाना, ये सब कार्य जो है हज कमेटी द्वारा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, यानी कि स्टेट हज कमेटी की तरफ से किया जाता है। और
उसी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जो है इन्हें स्कॉच अवार्ड्स के सिल्वर श्रेणी में जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्कॉच ग्रुप जो है नई दिल्ली द्वारा विगत 15 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर जो गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट कार्यों और नए प्रयोगों के लिए प्रतिवर्ष जो है विभिन्न क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स का चयन करती है और उस प्रोजेक्ट्स को चयन करने के बाद उसे जो है पुरस्कृत करती है, इसके बाद उसे पुरस्कृत करती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को जो है हाल ही में राष्ट्रीय मान्यता दिया गया है। स्टेट फॉर्मेशन के बाद से, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उसके बाद से अभी तक जो है प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला था, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद ने छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को जो है राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी है। और इस मान्यता के बाद जो अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ का जो होटल मैनेजमेंट है, वो होटल मैनेजमेंट के जो डिग्री धारियों हैं उनको देश विदेश में विभिन्न संस्थानों में जो है वो मान्यता मिल सकेगी। यानी कि यहाँ के जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जिन्होंने डिग्री धारण किया हुआ है उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर सकते हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकते हैं। और जो हमारे राज्य का स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि गठन जो है वो कब किया गया है, 2006 में किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मान्यता मिल चुका है, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका आने वाले वन डे एग्जाम के लिए, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में रमाकांत मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया गया है। किसकी तरफ से? केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जो है इनकी जो अवधि होगी वो 3 वर्ष के लिए ही होगी। इनकी जो अवधि होगी वो 3 वर्ष के लिए ही होगी, चाहे सॉलिसिटर जनरल हो गए या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हो गए, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 3 वर्ष के लिए ही होता है। ठीक है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी मामलों में एक तरह से केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से संबंधित कोई मामला जो है वो लंबित पड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार की तरफ से जो केस लड़ने का काम करेंगे वो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल का काम होता है कि केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधित्व करें। तो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए किन्हें असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया गया है? ध्यान रखिएगा, रमाकांत मिश्रा को। यह एक सीनियर एडवोकेट है। ठीक है, चलिए इसके बाद सॉलिसिटर जनरल के बारे में समझ लेते हैं। असिस्टेंट सॉलिसिटर अपॉइंट किया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो है भारत के महान्यायवादी यानी कि जिसे हम लोग अटोर्नी जनरल कहते हैं, इसके अंतर्गत में कार्य करता है। क्लियर है? तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में हमारे देश के महान्यायवादी यानी कि अटोर्नी जनरल कौन है? मस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए की जाती है। सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए, और अगर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं तो उनकी भी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। और सॉलिसिटर जनरल जो है देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है, और देश का प्रथम सर्वोच्च कानूनी अफसर कौन होता है? वो होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और प्रदेश के लिए यानी कि राज्य सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। फिर से बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कानूनी सलाहकार होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश का सर्वोच्च कानूनी अफसर होते हैं उसे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और जो राज्य के सर्वोच्च कानूनी अफसर जो होते हैं सरकार का, वो क्या कहलाते हैं? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। और छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कौन है? छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल हैं सतीश चंद्र वर्मा। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले महान्यायवादी, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, और उसके बाद असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। क्लियर है? चलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 76(1) के तहत किया जाता है। ये अटॉर्नी जनरल की बात हो गई, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का जो व्याख्या है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है।
ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा, छत्तीसगढ़ के रजनी शर्मा को जो है वो ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछले वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक एनालिसिस किया था, शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की एकमात्र शिक्षिका सपना सोनी जो कि दुर्ग की रहने वाली है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ की दूसरी शिक्षिका है जिन्हें कि इस साल यानी कि इस महीने जो है वो सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टीचर अवार्ड से। एक को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया, किनको कंफ्यूज मत होइएगा, सपना सोनी को, और ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किनको किया जा रहा है, ये है आपके रजनी शर्मा। रजनी शर्मा कहाँ की रहने वाली है ये भी ध्यान रखिएगा, रजनी शर्मा रहने वाली है चौबे कॉलोनी रायपुर, मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जो है वो शिक्षिका है, और इनको जो है हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उन्हें यह सम्मान जो है ग्लोबल टीचर कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुए ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान दिया गया है। ये इन्हें जो है इससे पहले भी कुछ अवार्ड से सम्मानित किए गए, जैसे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रदेश में, इसके अलावा राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये हैं आपके रजनी शर्मा जिनको कि हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 5 सितंबर 2020 को यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सपना सोनी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरे देश भर में उस दिन 47 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ के दुर्ग की सपना सोनी भी शामिल थी। तो दोनों को अलग अलग अवार्ड मिला है, टीचर के कैटेगरी में ही मिला है, यानी कि बेहतर शिक्षण कार्य के लिए ही मिला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बस कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आज का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, स्वामी अग्निवेश, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो कौन है स्वामी अग्निवेश और छत्तीसगढ़ से क्या है इनका संबंध? तो छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है कि ये छत्तीसगढ़ में ही जन्मे हैं, 21 सितंबर 1939 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। बंधुआ मजदूर मुक्ति आंदोलन जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो स्वामी अग्निवेश ने ही निभाई। इसके अलावा इनका जन्म मैंने बताया 1939 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ। कोलकाता में इन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई के बाद जो है इन्होंने आर्य समाज से संन्यास लिया। 1968 में उन्होंने राजनीतिक पार्टी आर्य सभा बनाई, और उसके बाद 1981 में जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। ये हैं आपके स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश काफ़ी मशहूर हैं, ये बिग बॉस के घर में भी गए थे, और इसके अलावा जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था 2013 में लोकपाल का, तो उसमें भी शामिल हुए थे, और देश के एक बहुत ही जाने माने जो हैं वो समाज से भी रह चुके हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक समाज से भी हैं। बंधुआ मजदूरों के लिए इन्होंने काम किया है, और राजनीतिक पार्टी का भी एक गठन किया है, और इनका अगर जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था पिछले सप्ताह का, यानी कि 10 सितंबर से लेकर आज तक, यानी कि 18 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ का पूरा करंट अफेयर। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पेपर का टाइम आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।